आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है assertion reason type। assertion दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज जीरो। तो हमारे पास एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है और कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो। तो लेट्स से इस स्फीयर में चार्ज क्यू है, तो हमें पता है कि हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज क्यू होता है वो सरफेस पर आ जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इक्वल टू 1/4 πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, वेर आर इज द रेडियस। और ई एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर होता है 4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, वेर आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। पर होलोस्फीयर में ई इनसाइड द स्फीयर जीरो होता है, यहाँ पर कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, तो एसर्शन तो ट्रू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज जीरो। अब रीजन दिया गया है चार्जेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो रीजन तो ट्रू है क्योंकि जो चार्ज होता है वो सरफेस पर चला जाता है, वो सरफेस आउटर सरफेस पर सब चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। अब क्योंकि सब चार्ज बाहर चला गया है तो अंदर कुछ भी चार्ज नहीं बचा, इनसाइड द स्फीयर देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट। सिंस देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट, गॉस लॉ से ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। सिंस सिग्मा इज इक्वल टू जीरो फॉर इनसाइड, देयरफॉर ई इनसाइड इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है assertion को, तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, वेयर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।